कोई सवाल नहीं, कल आप सबको पता चल जाएगा। देखिए, बीजेपी ये चुनाव हार चुकी है, लेकिन शायद वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद के मुद्दे को एक नेशनल इश्यू बनाकर बार बार वो प्रदर्शन पे प्रदर्शन किए जा रही है। साहब, आप क्या कहेंगे? इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। सोनिया जी ये चुनाव जीती हाँ तो वही पीएम बनेंगी। इसमें डिबेट का कोई स्कोप ही नहीं राहुल जी। बात बड़ी सिंपल है और सबके सामने। ये चुनाव हमने मैडम की लीडरशिप में जीता है और यही पीएम बनेगी।
जहां पैदा होने के लिए संत महंत गुरु ऋषि महर्षि तरसते हैं, उस भारत भूमि को 16 बरस तक अपनाने से इनकार किया था सोनिया गांधी ने। जो मेरी दादी मेरे पापा के साथ हुए वो मेरी मम्मी के साथ नहीं होगा, इसकी गारंटी आप लेंगे? ये हमारा फैमिली मैटर है। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि पार्टी का एक एक वर्कर, हर कार्यकर्ता सोनिया जी को ही पीएम देखना चाहता है। यह फैमिली से ज्यादा पार्टी मैटर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन के कारण जिस व्यक्ति को इस देश की नागरिकता लेनी पड़ी हो, संवैधानिक बाध्यता के कारण, निष्ठा के कारण नहीं। इन लोगों को इस देश का कोई भी नेता, इस देश में पैदा हुआ कोई व्यक्ति नेतृत्व देने के लिए नहीं मिल सकता है। विदेशी पंतप्रधान हमें नहीं चाहिए, ना होना दूंगा मैं। With all due respect, please don't teach me politics. I 24 ore da pensare. Dopo Dio ci ho faro, devo che vivo fare. साथियों, पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सोनिया जी मेरी माँ हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी अंतरात्मा को टटोल के ये निर्णय लिया है। तो जब अंदर से ये आवाज आ रही है, यही निर्णय सही? उनका फैसला है, उनके दिल का फैसला है, क्या कह सकते हैं? ये निर्णय लेना कोई आसान चीज नहीं है। सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उन पर। इतना मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में कोई और व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अगर मैं इस पोजीशन में होता, मैं तो नहीं कर पाता। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की पीएम कैसी हो? सोनिया गांधी जैसी हो, सोनिया गांधी जैसी हो। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद के त्याग के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये अभी तक एक पहेली है। सीनियरिटी सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। एक ऐसा लीडर चाहिए जिसकी सब रिस्पेक्ट करें। देखिए, सीनियरिटी रिस्पेक्ट की बात ठीक ही है, लेकिन हमें अपना अलायंस के बारे में तो सोचना पड़ेगा। ये मिली जुली सरकार है, कोई ऐसा नाम हो जो कि सारे गुटों को संतुष्ट कर सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चाहती हूं आप सब मेरे निर्णय में मेरा साथ दें। और ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था। खाई लोगों के बारे में सोचा, पार्टी के फ्यूचर के बारे में, देश के बारे में, और हर पहलू पे गौर करने के बाद मेरा विश्वास है कि हर कसौटी पे केवल एक इंसान खरा उतरता है। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है।
कोई भी ताकत उस विचार उस सोच को नहीं रोक सकती है जिसका समय आ गया है। भारत का समय आ गया है। मैं आज इस सदन से कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय होगा और विश्व की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा जो विषय प्रधानमंत्री के रूप में मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं करूंगा। सरकारी चाय बहुत मीठी होती है, इसे पी पी के कई लोगों के दांत खट्टे किए मैंने। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूं। पेशा है मेरा। हाय, मैं संजय बारू, एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस। क्यों संजय जी, हेडलाइन खोज रहे हो? आज की हेडलाइन तो आप ही है चौहान साहब, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मुबारक हो, बड़ी मिनिस्ट्री है। आपका कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास ही रखने वाले हैं। खबर पक्की है? प्रधानमंत्री जी ने खुद मीडिया बता दिया। आप आग बन करके हेडलाइन छाप दो। एक्सक्यूज मी, सरकार में वापसी मुबारक हो अन्ना। शुक्रिया बारू, शुक्रिया। क्या नया ताजा? आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस, और क्या? अच्छा, मैंने तो सुना है पीएम खुद फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बारू, अगर पीएम फाइनेंस संभालेंगे तो मैं क्या करूँ? आपका एडिटोरियल सच हो गया, पार्टी ने डॉक्टर को बुला लिया। बहुत सालों बाद एक ऐसे पीएम आए हैं जिनकी रिश्तेदार रियल एस्टेट में ना हो। लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स खेल पाएंगे? नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक माइनॉरिटी में सरकार चलाई थी।
डॉक्टर साहब ने अपने गुरु से कुछ तो सीखा होगा। सर सर सर, मिस्टर मारू, आपको हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। चिदंबरम होंगे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको तो डॉक्टर साहब ने ही बताया था ना। एक्साइटमेंट में हाई कमांड से पूछे मैंने, शायद मुझे बता दिया होगा। ऐसा भी होता है क्या? नाम मनमोहन सिंह। बच्चे की जन्म तारीख? जन्म तारीख को लेना जी, उन्हें कहना प्रधानमंत्री बन जाना है, वो मेरा मतलब कुछ भी लिख लो जी। इलेक्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं जीता, जनता ने मैडम को चुना है, मैडम ने पीएम को चुना, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई हर लेवल पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। पटेल साहब, ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ठीक से बैठाना होगा। मिस्टर इज राइट पटेल साहब, पीएमओ का पूरा कंट्रोल है पॉलिसी पे, ये सब आसान नहीं होगा। पॉलिसी हम तय करेंगे ना, एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, मैडम उसे चेयर करेंगी, जो गरीबों के विकास के लिए काम करेगी। यस, इसे लेफ्ट भी खुश रहेगी। हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई वफादार ब्यूरोक्रेट बिठाना पड़ेगा, कोई है नजर में? वो लोग चल रहे और कौन? चॉइस अच्छी है सर। ये है सर आपके अप्रूव्ड लोगों की लिस्ट। सर लिस्ट काफी छोटी हो गई। पुलोक चैटर्जी, गांधी फैमिली के खास, आज पीएम सर वो उनके मांगे हुए लोगों की लिस्ट सोनिया जी से अप्रूव करके लाए हैं। आपको क्या करना होगा पुलोक? सर मेरा काम होगा पीएमओ और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सर तालमेल रखना। सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपका ब्रीफ क्या होगा? सर मेरा ब्रीफ है मैडम को ब्रीफ करना। सर अगर उनको आपके निर्णय के बारे में पता होगा तो उनका काम आसान हो जाएगा। सर तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी? नो सर, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ना सर। एनएससी सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में सुझाव देगा सर, दैट्स इट। ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए या नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। आखिरकार पीएम को अपने याद आ ही गए और मुझे कॉल आ गया। उन दिनों वो यूजीसी चेयरमैन थे, पहली मीटिंग में उनका डिटेल इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू छपते ही डॉक्टर साहब के ऑफिस से फोन आया। अक्सर लोग मुझे इंटरव्यू के बाद तारीफ के लिए बुलाते हैं। आई एम अ परफेक्शनिस्ट।
Please sit. So that's a really nice tie you're wearing. आपका जो टेप रिकॉर्डर खराब हो गया था जी सर वो ठीक हो गया नहीं सर नया लिया प्लीज गिव इट टू मिस्टर कडू आपने जो मेरा इंटरव्यू किया है वो पढ़ा है आप तो जर्नलिस्ट हैं आपको देश की हालत का पता है भारी समस्या है इसीलिए मैंने जानबूझकर साउथ कोरिया का नाम दिया उनके जैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए हमारे यहां आपका काम था ये बात देश तक पहुंचाना आपसे वो भी नहीं हो पाया सर मैंने आपका पूरा इंटरव्यू लिखा था वो न्यूज डेस्क पे शायद कुछ गलती हो गई होगी मैं चेक करवाता हूं चेक करेंगे और क्या किसी और को ब्लेम करेंगे मिस्टर बारू आपके सबॉर्डिनेट की गलती आपकी गलती है संजय मेरे प्रेस सेक्रेटरी बनोगे बिल्कुल बनूंगा सर मगर मेरी दो शर्तें हैं सर मैं आपका मीडिया एडवाइजर बनना चाहता हूं ये इंटरनेट के जमाने में प्रेस सेक्रेटरी आउटडेटेड लगता है आई एम ओके अबाउट दैट और दूसरी शर्त सर मैं सिर्फ आपको ही रिपोर्ट करूंगा अरे मैम आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं अरे अब प्रोटोकॉलों की बातें मत करो 30 साल से अपने घर में मैं ही चाय पिलाती हूँ अब अपनों से क्या प्रोटोकॉल थैंक यू सर मीडिया को मैनेज करने के अलावा आप क्या उम्मीद रखते हैं मुझसे पीएम की कुर्सी जमीन से दूर कर देती है सिर्फ फाइल्स मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं मुझे हर खबर चाहिए मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूं बिना किसी डर के बिना किसी उम्मीद के पॉलिटिक्स भी महाभारत की तरह है संजय तुम्हें मेरा संजय बनना होगा तुम इनकी आंख और कान तो बन जाओगे लेकिन आवाज का क्या करोगे मैम दिस इज नॉट माय टर्फ यू मे नॉट अंडरस्टैंड दिस टर्फ बट ब्यूरोक्रेसी इज ए टर्फ वॉर सबकी नजर सब पर है आपने जरा सी भी जगह दी तो कोई तीसरा उस जगह को घेर लेगा और आपको इन्हीं की यही बात इनको बार बार बतानी पड़ेगी सर की भविष्यवाणी जल्दी सच हो गई शुरुआत मनी ने की ये मनी सर ने भेजी है एक सेकंड ना बेबी किसी भी पीएमओ में पहुंच बहुत जरूरी होती है भाई और डॉक्टर साहब तक मेरी पहुंच 3 लोगों के आड़े आती थी मणि असली नाम जे एन दीक्षित नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉरेन पॉलिसी के पंडित और मेरे अच्छे दोस्त एक्सपर्ट थे तो सबका काम उनसे बेहतर ही जानते थे और इसीलिए टफ वॉर में मुझे हराना मुश्किल है माइक असली नाम एम के नारायणन पेशे से जासूस फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ मैडम के खास किस नेता का पैसा कहां लगा हुआ है इनको सब खबर रहती थी गुस्से में हो या मजाक में हर किसी को एक बात जरूर कहते थे सुनो आई हैव ए फाइल ऑन यू माइक और मनी जैसे दिग्गजों के आगे डॉक्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी के ए नायर इसकी थोड़ी कम चलती थी मगर कॉर्नर ऑफिस मुझे ही मिलेगा और फाइनली सुबु पीएम की पर्सनल सेक्रेटरी सुबु का एक ही पैशन था ज्योतिष शास्त्र मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सर
एक सेकंड ये देखिए, कुछ ब्रीफिंग्स में एनएसए का अप्रूवल लेना होगा, इसमें गलत बात क्या है? सर जैसे मनी आपके एडवाइजर है वैसे मैं भी हूं, और सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट। शांत हो जाओ, बैठो। सर आपकी पूरी टीम में सिर्फ मैं ही हूं जो ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये 24 आवर न्यूज मीडिया नोट्स, फाइल्स, अप्रूवल्स का वेट नहीं करती है। अगर किसी झूठ का जवाब 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाए तो वो झूठ सच कहलाते हैं। सर ठीक है, मैं मनी से बात करता हूं। बारू, रूटीन सर्कुलर पे इतना गुस्सा, और वो भी दोस्तों के साथ। आओ असली कॉफी पिलाता हूं। आओ। गेस करो सुबह सुबह मेरी किससे बात हो रही थी। किससे? नटवर सिंह। ओ, क्या कह रहे थे? परेशान थे बेचारे, कह रहे थे कि अभी भी उनकी फाइल्स आप क्लियर कर रहे हैं। एक बात बताऊं बारू, अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डरता। उन्हें पीएम साहब को सब बताने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। एनीवे तुम चिंता छोड़ो, तुम सिगार पियो। पीएम ओ स्मोकिंग मना है ना? हमारे लिए रूल्स? अरे हम ही तो पीएमओ हैं। हम ही तो पीएमओ हैं। आज 10वें दिन प्रधानमंत्री को संसद में फिर से बोलने नहीं दिया गया है। मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का भाषण बिना पढ़े ही टेबल कर दिया जाएगा। शायद ये इतिहास में पहली बार होगा। इधर लेफ्ट भी प्रधानमंत्री से खासे नाराज हैं। ये सरकार प्लानिंग कमीशन में प्राइवेट कंपनियों के लोगों को बिठा रही है, मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगों को। समर्थन देने का मतलब हम अंधे हो जाए क्या? कल को आप कोका कोला को बिठाएंगे प्लानिंग कमीशन में, हम देखते रहेंगे। संसद में पीएम की कमजोरी का सब फायदा उठा रहे थे। मेरी एक बुरी आदत और थी, पीएम सर के खिलाफ कौन सा मिनिस्टर किसके कहने पे अखबार में खबर लीक करता है, मैं एक घंटे में पता लगा लेता था। सोनिया जी ने मुझे चिट्ठी लिखी, ये मीडिया में कैसे आ गई? ये आपके जैसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर को सूट करता है? Someone is misleading you, sir. I haven't done anything wrong. मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत करिए। दिस शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस। सर जयराम काफी अपसेट लग रहे थे। एक केस के बाद डांट खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ही विल बिहेव इन द फ्यूचर। नहीं सर, फ्रैंकली ये सब रुकेगा नहीं, कल कुछ और लीक हो जाएगा। ये लोग जरूरत से ज्यादा वफादार है। जजमेंट पास मत कीजिए। तो अब क्या करना चाहिए? सर इन लोगों ने सोनिया जी की चिट्ठी लीक की, अब आपका सोनिया जी को रिप्लाई मैं लीक करूंगा। बहुत बोल्ड स्टेप हो जाएगा। मैं ले रहा हूं ना सर, सबको मैसेज चला जाएगा। पीएमओ मींस बिजनेस। ना 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 सर, द डॉक्टर सिंह मींस बिजनेस। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपके सामने विनम्रता से आपके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं।
आपसे बात करते हुए आज मुझे गांधी जी की बात याद आ गई। वो कहते थे कि वो हर आंख से आंसू पोंछना चाहते हैं। वो कहते थे कि किसी भी काम से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि करीब से गरीब इंसान के जीवन में आपका क्या योगदान है। ठीक था? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? ओके, लेट मी ट्राई। नहीं सर, सर आप ऐसे बोलेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की बात पे एक विश्वास होना चाहिए सर। आप वैसे ही बोलिए ना जैसे मैंने आपसे कहा था। अभी जहां पे कॉमा है वहां पे पॉज लीजिए, जहां पे शब्द बोल्ड लिखा है उन पे स्ट्रेस दीजिए। एक और ट्राई करें सर। ठीक है संजय, ये कितना ठीक करना होगा? About 99% सर। और तेरी मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपसे विनम्रता से आपके द्वारा दी गई हेलो सर, आज बहुत गड़बड़ हो गया सर, आपको मीडिया मैनेज करना पड़ेगा सर। आप मुझे बताओगे क्या हुआ? सर डेलीगेशन फाइनेंस बिल में चेंजेस सजेस्ट करने आया था। मनमोहन सिंह जी, हम फाइनेंस बिल में कुछ बदलाव चाहते हैं। पीएम साहब अपने सीट पर नहीं थे सर, वो खड़े थे, इसलिए डेलीगेशन को भी खड़ा रहना पड़ा सर। सर उन्होंने फाइल पीएम को खड़े खड़े दिया सर, जल्दी में टेबल नीचे था इसलिए ही ड्रॉप द फाइल। चाय का समय नहीं था शायद, सब खड़े थे। एंड नाउ मीडिया इज पुटिंग एलिगेशंस अगेंस्ट हिम दैट ही थ्रू द फाइल। उन्होंने फाइल रखी या फेंकी? सर उन्होंने फाइल रखी थी। और फेंकी हो तो? ये पीछे हटने का वक्त नहीं है सुबू, जैसा हुआ वैसा ही बताएंगे। पीएम ना तो रबर स्टैंप है ना पेपर टाइगर। आई एम ऑन माय वे। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यदि आप अपने विपक्ष के नेताओं को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचेगी। डॉक्टर साहब के बदलते तेवर सब देख रहे थे, ऑपोजिशन वाले कांग्रेस वाले। सब हैरान थे। आइए नवीन जी बैठिए। सर कहिए। सर उड़ीसा को भी बिहार की तरह स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। पैसे पेड़ पे नहीं उगते नवीन जी। सर सोशल इकोनॉमिक। आइए नायर साहब। टी कॉफी फॉर यू नवीन जी। थैंक यू सर। आपसे बात करते समय मुझे गांधी जी की याद आती है। बापू कहते थे कि मैं हर आंख से हर आंसू पोंछना चाहता हूँ। टीवी स्पीच बहुत ही बढ़िया आइडिया था, क्या फैबुलस इंपैक्ट पड़ा है, मजा आ गया। आखिर स्पीच लिखा किसने? आप भरू। वेल डन। थैंक यू। अरे तारीफ हुई है, और क्या छाट रहे हो मैगजीन में? सोनिया जी के हिसाब से डॉक्टर सिंह एक पॉलिटिकल पीएम होने चाहिए। कैन यू बिलीव इट? हो रही है ना ब्रांडिंग? नो माइक, उसके लिए ये बात देश को सोनिया जी से नहीं डॉक्टर सिंह से सुननी चाहिए। गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे होने वाले हैं ना, हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। पर अगर एक भी गलती हुई ना
मीडिया माफ नहीं करेगा। आई नो पीएम सर इतना सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत शाय, हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ बेकार में नहीं जाएगा, यही तो मौका है बॉयज, जिसको जो पूछना है पीएम सर से पूछ ले, वो किसी सवाल से डरते नहीं है। सर अगर पाकिस्तान पे कोई सवाल आए तो मुशर्रफ के बारे में आप ज्यादा मत बोलिए। मनी मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, आप मुझे सिर्फ फैक्ट्स बताइए, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पीएम सर आई टेक केयर ऑफ यू सर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल रहा हूं, आप भी फ्रेश हो जाइए। संध्या शेर भी कभी दांत साफ करता है क्या? प्लीज वेलकम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। माना जाता है कि सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर है, आपका क्या कहना है? सोनिया जी कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं और यूपीए की चेयरपर्सन भी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दो पावर सेंटर्स हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कुछ ऐसा करने को कहा जाए जो आपको ठीक नहीं लगता तो आप इस्तीफा दे देंगे। वेल मैडम ये सोचना गलत है, मुझे इस्तीफा देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सर अमेरिका हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट है, आप बुश से मिलने वाले थे, क्या कहेंगे आप उन्हें? मैं कहूंगा मिस्टर बुश न्यूक्लियर पावर से बम भी बनते हैं और बिजली भी। अरे कॉस्मेटिक से ये सब, पब्लिक रिलेशंस अगर पावर आती तो आप भी पॉलिटिशियन बन गए होते। नहीं डॉक्टर साहब को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए पटेल साहब। अंडर एस्टिमेट डॉक्टर साहब की एक ही लेगेसी है, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो रहेगी, उससे ज्यादा ना तो उनको कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए ना ही कुछ होने वाला। आपको क्या लगता है लेफ्ट मान जाएगी डॉक्टर साहब की बात को? कलयुग है कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब, पॉलिटिक्स चुनाव जीतने वालों का खेल है, जो लड़ेंगे नहीं वो क्या जीतेंगे। सीरियस क्यों मनी? ये नटवर सिंह पीएम सर के साथ अंदर क्यों जाना चाह रहे हैं? पीएम सर को बुश के साथ अकेले मिलना चाहिए ताकि नया एजेंडा अच्छे से सेट हो सके। एक आइडिया है। नटवर सिंह जी सर ये मौका दोबारा नहीं आएगा सर, अगर अमेरिका हमें एक न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा दे दे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाएगा सर। न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म करना बहुत जरूरी है मनी। यस संजय कम इन। मनी पीएम सर से दो मिनट के लिए अकेला बात करना चाहता हूँ। I'll be outside, sir, if you need me.
माफ कीजिएगा सर, बुरी खबर लाया हूं। कुछ देर पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर राव का निधन हो गया। वो एक महान व्यक्ति थे। इंडीड ही वाज सर। एक जरूरी काम है आपसे, थोड़ा नाजुक मामला। बताइए। आपके फादर राव साहब की स्पीचेस लिखते थे, आप करीब हैं फैमिली के, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर हम हैदराबाद में कर लें। दिल्ली में कुछ तकलीफ है? हैदराबाद उनकी जन्मभूमि है। दिल्ली कर्मभूमि नहीं है? आप इस समय मत पड़िए, थोड़ा समझाइए पहले। ये मेरा काम नहीं है। फॉर्मर पीएम के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में बिता दी। एंड एज पर माय नॉलेज उनकी तो कोई फैमिली हैदराबाद में है ही नहीं। मैं सोनिया जी से बात करूंगा। सर अहमद पटेल सोनिया जी की आवाज ही तो है। राजघाट पे शायद जमीन कम पड़ गई होगी उनकी समाधि के लिए। राव साहब जैसे लीडर की लेगेसी भी पार्टी डिसाइड करेगी? पार्टी नहीं सर, राजनीति का स्तर गिरते हुए तो मैंने कई बार देखा है, पर इतना कभी नहीं। डॉक्टर साहब को एक झटका और लगा जब दिल का दौरा पड़ने से मणि की मौत हुई। अब माइक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। दोनों झटकों के बावजूद डॉक्टर साहब अपने टारगेट की तरफ बढ़ दिए, न्यूक्लियर डील। बुश और डॉक्टर साहब की दोस्ती जय और वीरो जैसे निकलेगी, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। पीएम सर के आने के बाद न्यूक्लियर डील पे हंगामा हो गया। अमरीका के साथ कोई सीक्रेट डील नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब पे तीन तरफ से अटैक हो रहे थे, विपक्ष, लेफ्ट और उनकी अपनी पार्टी। डॉक्टर साहब जिस डील के पीछे आप भाग रहे हैं वो वैसे किसी की समझ में नहीं आ रही, लेकिन इससे हमारी सरकार जरूर गिर जाएगी। देश की गरीब जनता को न्यूक्लियर डील से क्या लेना देना? यही सही समय है देश के विकास के लिए। हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, दूर की सोचिए। दूर की तो तब सोचेंगे ना डॉक्टर साहब जब हमारी सरकार रहेगी। इधर आपने डील साइन की, उधर लेफ्ट ने अपना सपोर्ट वापस लिया, खत्म हमारी सरकार। ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट बुश ने मुझे कहा है कि वो हर तरह से हमारी सपोर्ट करेंगे।
क्या डॉक्टर साहब, आप भी एक पॉलिटिशियन की बातों में आ गए। चलिए फिर कभी बात करते हैं। नमस्ते। प्रेसिडेंट बुश दिल्ली पधारे और दोनों नेताओं ने हाथ मिला के पूरी दुनिया को अपनी दोस्ती और न्यूक्लियर डील का ऐलान किया। And with that, I conclude my remarks. Thank you. मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है, इस डील से हमारा न्यूक्लियर वेपन्स पर क्या असर होगा? सर, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई असर नहीं होगा, ये बात हमने शुरू से ही साफ कर दी है। हम जो चाहे बना सकते हैं। इस डील से हमारे लिए यूरेनियम का दाम कम होगा, सप्लाई बढ़ेगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जेंटलमैन, सारे देश को आप पे गर्व है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहे हैं। सर, ये जो यहाँ से ना, वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चुप रहकर बोलने में वाजपेयी जी तो उस्ताद थे, उस्ताद। एक मुस्कुराहट में बहुत कुछ कह दिए। बीजेपी अब हमारे साथ थी। ऐसे अजीब महाभारत है ये भारतीय राजनीति। ऑपोजिशन एलाय बन गया, एलाय ऑपोजिशन, पीएम पार्टी का, लेकिन पार्टी पीएम की तो नहीं लग रही थी। कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि 20 साल बाद मुझे तो नहीं आया। राम, क्या हेडलाइन दिया है यार, क्या हेडलाइन दिया है। बारू, प्रॉब्लम है। एन राम, हिंदू अखबार के लेफ्टिस्ट पब्लिशर और एडिटर, लेफ्ट लीडर्स के खास दोस्त। एन राम की ग्रीन लाइट मतलब लेफ्ट की ग्रीन लाइट। लेफ्ट इस दिल को सपोर्ट नहीं करेगा। This is a political decision. मैं पीएम सर को क्या बोलूंगा? डील को होल्ड कर दे, वरना लेफ्ट अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। सपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तो ले लें। सर, आप ऑफिशियली ये कह रहे हैं? यस, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंडित जी और इंदिरा जी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का विरोध किया था। इन्होंने नरसिम्हा राव जी का भी और मेरा भी विरोध किया था, जबकि हम देश की इकोनॉमी को इंप्रूव कर रहे थे। प्रकाश करत कहते हैं कि सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है। मैं देश को बेचूंगा? ये मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सर, आपका अगला कदम क्या होगा अगर वो विथड्रॉ करते हैं? हम उन लोगों का जमकर सामना करेंगे, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी, पर हार तो लेफ्ट भी नहीं मानने वाला था। लोग सड़क पे उतर आए और लेफ्ट पार्लियामेंट से बाहर। मैडम, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रॉन्ग बयान दिया है। क्या आप समय से पहले इलेक्शन चाहती हैं? हमें आपसी टकराव नहीं करना है। ये गठबंधन का धर्म नहीं है। मगर क्या आपको लगता है कि लेफ्ट अनरीजनेबल है? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेफ्ट की कुछ विचारधारा और मुद्दे हैं, वो सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं। और आप इस बात से खुश हैं? बिल्कुल। Yes, let's call it.
वेलकम डॉक्टर साहब। आपने जो बयान दिया वो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर था, क्या आपको लगता है कि आपने लाइन क्रॉस की? चल रहा है? जी बिल्कुल साहब। वेल, मैं लेफ्ट को जवाब दे रहा था, मुझे नहीं लगता मैंने कोई लाइन क्रॉस की। जी। मुझे इल्म है कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। सर, इज द न्यूक्लियर डील ऑफ? और अगर ऐसा है तो आपकी सरकार का क्या होगा? वेल, हम वन इशू गवर्नमेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जीना पड़ता है। ये डील नहीं हुई तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने छुपी साध ली। सारे देश में एक ही सवाल की लहर थी, डील या नो डील। हेलो जी सर, अभी आया। जी सर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संजय। सर क्या किया मैंने? तुमने यूएस एम्बेसडर से क्या बोला? किस बारे में सर? न्यूक्लियर डील के बारे में क्या बोला तुमने? डैड, हाउ आर थिंग्स एट द एम्बेसी? द एम्बेसडर वांट्स टू नो व्हाट द पीएम मेंट। व्हाट्स दैट टू ऐड? व्हाटएवर ही सेड इज आउट देयर। What do I think the PM meant? Probably this, Dad. Que sara sara. Ye que sara sara ka kya matlab hai? Sir, main kisi code language mein baat nahi kar raha tha. Aapke jaasooson ne galat khabar di hai. Ye Hitchcock ki film ka gana hai. Man who knew too much. Doris Day ne gaya tha. मगर ये हूँ का क्या मतलब है? के सरा सरा का मतलब है जो होगा सो होगा। सर न्यूक्लियर डील पे मैं सबको ये जवाब देता हूँ। मैं रिजाइन करना चाहता हूँ मैडम, मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है। But must you give me this? Must you resign? मैडम, लेफ्ट हमारे गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है। वो हमें IAEA में एम्बेरेस करना चाहता है। अगर हम लेफ्ट के साथ समझौता करते हैं तो फिर मेरे पास रिजाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हैं आपके इस्तीफे से हंगामा हो जाएगा। मैडम, या तो हम लेफ्ट को इग्नोर करके डील आगे बढ़ा सकते हैं या फिर लेफ्ट के साथ समझौता करके डील को यहीं रोक सकते हैं। अगर UPA सेकंड ऑप्शन लेती है तो फिर आपको कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, एक बार सोच लीजिए। अब इसमें सोचने की क्या बात है भाई? ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी, और सबसे बड़ा वार कल रात को ही हुआ था।
10 जनपथ में। वैसे पुलक के आने से पहले मैं अपनी कॉफी खत्म कर लेता हूं, पीएमओ में आखिरी हो सकती है। मैं कम इन सर, प्लीज कम इन। हाउ आर यू सर? आपको सोनिया जी ने भेजा है? जी सर। सर प्लीज आपका रेजिग्नेशन वापस लीजिए सर, प्लीज। मैंने अपनी बात सोनिया जी के सामने रख दी है, अब इसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू सर। सोनिया जी आपको इस्तीफा नहीं देने देगी, आप अपनी बात पे अड़े रहें, लेफ्ट के साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। के सरा सरा। हमने आज राष्ट्रपति को पत्र देकर यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमने एक और पत्र दिया है जिसमें हमने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री को निर्देश दें कि वो संसद में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी सरकार का बहुमत साबित करें। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? सर अमर सिंह आपसे बात करना चाहते हैं, वो यूएस में है। सर मुझे लगता है कि अब हमारी डील पास हो जाएगी। आपसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी कोई नहीं जानता। हम चाहते हैं आप हमें गाइड करें, हम देश के लिए सही फैसला करना चाहते हैं। ये क्या सही डील है? बिल्कुल सही है। तुम्हारा फर्ज ये डील का समर्थन करना, देश के लिए ये फायदेमंद है। बस आपसे हम यही सुनना चाहते थे, अब हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। राजनीति है भाई। देश में डॉक्टर साहब की अच्छी सेहत के लिए कहीं पूजा तो कहीं प्रार्थना की जा रही है। ऐसे में क्या डॉक्टर साहब लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल सभी कर रहे हैं। अब तक देश की नजरों में डॉक्टर साहब हीरो बन चुके थे, मगर हर हीरो की तरह उनकी भी एक कमजोरी थी, उनकी अपनी पार्टी, और पार्टी के आड़े आता था मैं। शुरू के दिनों की बात है। कैसा लग रहा है पीएमओ में आपको? चैलेंजिंग है पर मजा आ रहा है। पर चंद्रशेखर जी के साथ क्या हो गया? बड़े नाराज लग रहे थे आपसे। उन्होंने पीएम सर से मीटिंग के बाद तेलुगु मीडिया में कहा कि तेलंगाना पे डिस्कशन हुई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने पीएम से तेलंगाना पे एक शब्द भी नहीं कहा। कहने सुनने में कंफ्यूजन हो जाता है, और आप भी छोटी छोटी बातों पे क्लैरिफिकेशन देते हैं तो उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं अपना काम जानता हूं, वही कर रहा हूं। हाँ थोड़ा बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन क्या करें पटेल साहब, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन पार्टी के अलाइज को तो नाराज नहीं कर सकते। मेरी सलाह मानेंगे आप? उनसे माफी मांग लीजिए। क्या आसान हुआ आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ा? Thank you.
मेरी नौकरी की चिंता क्यों करते हो पटेल साहब? पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। जिस दिन वो बोलेंगे रिजाइन कर दूंगा। बारू डॉक्टर साहब कहाँ कुछ बोलते हैं। न्यूक्लियर डील के वक्त रोज एक नया पीएम कैंडिडेट अनाउंस हो रहा था। अब लड़ाई पीएम वर्सेस पार्टी बन गई थी। हम तो तैयार थे। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा तबे गोविंद सिंह नाम धरावा। संजय, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूं। मीडिया रोज एक नया पीएम अनाउंस करती है, ये खबरें बहुत डिप्रेसिव है और पार्टी से कोई डिनाइल भी नहीं आता। सर, मैं आपसे कल सुबह ही इसके बारे में बात करने वाला था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। तुम ये न्यूज नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत डिफेंसिव लगता है। सर, मैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोच रहा हूँ। सर, ये सारी खबरें प्लांट हो रही है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग भूल गए कि आप कांग्रेस के पीएम नहीं हैं, आप पूरे यूपीए और उनके 11 एलाइज के पीएम हैं, और वो एलाइज आपको बहुत मानते हैं। आपको कुछ बोलने की या मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सर, 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 क्या हमारे पीएम रिजाइन कर रहे हैं? सर, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं? अरे सब अफवाह। मनमोहन सिंह जी यूपीए के पीएम है, हर दल का कॉन्फिडेंस वो एंजॉय करते हैं। उनके रिप्लेसमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं। हम सारे अलाइज उनके काम के बहुत खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, राहुल गांधी यूथ डेलीगेशन के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी? जी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक। बारू बारू, ये रिलीज करा दीजिए मीडिया में। राहुल जी ने पीएम से रिक्वेस्ट किया कि मनरेगा के काम बढ़ाए जाए। पीएम खुश हैं इस बात से। पीएम खुश है, इसका मतलब क्या है? पार्टी का सजेशन पीएम को पसंद है। आपको प्रॉब्लम है इससे? कोई प्रॉब्लम ये है कि यही बात सर ने 15 अगस्त को सारे देश से कही थी, और रिपोर्टर्स साहब सुनते हैं, साहब लिखते हैं, साला याद भी रखते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो जानते ही होंगे। और कुछ काम हो पटेल साहब जरूर बताइएगा, लेकिन ये आप रख लीजिए। मॉर्निंग सर। संजय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मनरेगा देश को मेरा बर्थडे प्रेजेंट है, ये एसएमएस आपने भेजा, वो भी पत्रकारों को, एक्सप्रेस को। सर, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
सर वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आप देश के पीएम हैं, रघुवंश प्रसाद जैसे मंत्रियों के काम का क्या? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और आपकी इमेज? मेरी इमेज सही रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है सर, दुनिया आपको देख रही है। अगर आपका क्रेडिट चोरी हो सकता है तो देश में सुरक्षित क्या है? संजय प्लीज डोंट बी ओवर ड्रामेटिक, उनको सारे क्रेडिट लेने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। आप मेरी स्पीचेस लिखिए, ये पब्लिक पोजीशनिंग, ये पब्लिक इमेज, इस सब के बारे में वक्त बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू। सॉरी सर। एक बात और, प्लीज आइए। अखबार पढ़ते हैं आप? सॉरी सर। पीएमओ चेयर की चिंता छोड़िए, अपनी चेयर की सोचिए। आज फिर आया है अखबार में पंजाब केसरी, आपको पीएमओ से निकाला जा रहा है। 3 महीने पुरानी बात है सर। मैं सोचता हूँ आप एक बार मैडम से मिल लो। मैडम से क्यों सर? आप उनसे कहो कि अखबारों में आपके खिलाफ गलत आर्टिकल्स प्लांट किए जा रहे हैं, मैं खुद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। सोच के बताता हूँ सर। ठीक है। बालू, नॉट नाउ नायर, मैं बिजी हूँ। अरे 2 मिनट, एमपीज का कॉल आ रहा था, आपकी कंप्लेंट हो रही थी। आपने कुछ कोड दिया था क्या पेपर में? आपको एमपीज कॉल करते हैं क्या? यस, दिस इज द पीएमओ, कोई भी कॉल कर सकता है। आप एक बार मैडम से मिलो, आई'ल फिक्स एन अपॉइंटमेंट, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पॉलिटिक्स में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, साला जर्नलिस्ट हूँ। वहाँ चमचागिरी के नहीं, जिद के मार्क्स मिलते हैं। वैसे नायर, आप नीचे जा रहे थे, मैं ऊपर जा रहा था। एक बात फिर से सोच लो संजय। सर अब मैं और ये पॉलिटिकल गेम्स खेल नहीं सकता हूं, मैं रिजाइन नहीं करना चाहता। आर यू श्योर? आई एम सर। जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है, पार्टी वो मुझे करने नहीं देगी। और माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भी अपनी इमेज में कुछ खास इंटरेस्ट तो है नहीं। मैं अपने काम से जाना जाऊंगा संजय। ऑफिशियल रीजन क्या लिखा है अपने रेजिग्नेशन लेटर में? सर तन्वी का एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, तो मैं सोच रहा था कि आई टेक अ जॉब दिस स्कूल। मत जाओ संजय, अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ फुलिश डिसीजन। आप इसे तो सीखा है सर, समटाइम्स इट इज वाइज टू बी फुलिश। मेरी स्पीचेस तो लिखोगे ना सिंगापुर से? आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। वन मोर थिंग, जाने से पहले एक जबकि तो देते जाओ काके।
उठ गया? पानी लेंगे? Can you pass my glasses? कैसे हो संजय? रमा कैसी है? वो सब ठीक है सर, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, इट वॉज जस्ट ए प्रिवेंटिव सर्जरी। मेरी तीनों आर्टरीज ठीक है, आई एम फाइटिंग फिट। सर 3 महीने में इलेक्शन है, आपकी जीत गारंटीड है और इस बार आप लोकसभा से लड़ेंगे। पार्टी की क्या राय है? सर सच सबको पता है, ये इलेक्शन राहुल गांधी के बस का नहीं है। पार्टी बहुत सेफ खेल रही है, हारेंगे तो आप हारेंगे, जीतेंगे तो वो। सिंगापुर कैसा है? बात मत टालिए, सब पूरा देश आपका फैन है। इस बार भी आप राज्यसभा से आएंगे ना, आपकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। जो पार्टी चाहेगी वही होगा। अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, चुनाव अभियान राहुल लीड करेगा। मैं इस इलेक्शन को बाहर से बैठ के नहीं देख सकता। सर पार्टी को लगता है कि आपका इस चुनाव को लड़ना रिस्की। चुनाव के बाद हम आपको अटल जी की तरह निराश नहीं देखना चाहते। पार्टी को लगता है मैं ये इलेक्शन हारने वाला हूं, उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। ये सब बातें मत सोचो, तुसी सो जाओ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, तुम देखना। पिछले 5 वर्षों में देश ने जितनी उन्नति की है, जितना रोजगार बढ़ा है, उस कार्यक्रम को अब हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हमको केंद्र में अवसर मिले या प्रदेशों में अवसर मिले, हमारी पार्टी देश के सामने इस बात के नमूने प्रस्तुत करेगी कि सुशासन क्या होता है। मनरेगा का असर सारे देश पर दिखाई दे रहा है, हमारी आर्थिक नीतियों की वजह से विश्व आर्थिक संकट से हम प्रभावित नहीं हुए हैं। न्यूक्लियर डील से भारत फ्यूचर रेडी हो गया है, विकास और परिवर्तन का हमारा सपना सच हो गया है। जीत है मनमोहन सिंह जी की, सिंह इज किंग का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। कांग्रेस पार्टी को तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो जीतेंगे, फिर 206 सीट्स की बात तो कुछ और ही है। बड़ा मौका है आपके लिए, क्या कहेंगे पार्टी की इस जीत पर आप? देखिए सुनिए, राहुल गांधी ने यूपी में 22 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया, ये राहुल गांधी की जीत। Get me Baru on the line, please. उसके वापस आने का वक्त आ गया है। I would like to promote you, Sanjay.
पीएमओ में सेक्रेटरी बनोगे? सर, पोजीशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर मुझे फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना पड़ेगा. और तुम सिर्फ मुझको रिपोर्ट करना चाहते हो. इजिप्ट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिल रहा हूँ. वापस आकर तुम्हारी फाइल क्लियर कर दूंगा. पाकिस्तान पर कोई आइडिया है? सर, अपना सेकंड टर्म पाकिस्तान से ना ही शुरू करें. पार्टी बहुत इंटरफेयर करेगी. मुशर्रफ के टाइम पे वही हुआ था. आई थिंक आपको ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से इतना इफेक्टेड नहीं है संजय. मैं कश्मीर का हल ढूंढना चाहता हूं और शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है. ज्यादा वक्त नहीं है सर? मतलब बेचारे डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, पूरी दिल्ली के दरबार में एक ही तो खबर थी कि डॉक्टर साहब को कुर्सी से कब हटाएंगे और कब पार्टी राहुल जी का अभिषेक करेगी. गिलानी साहब जी, लम्हों ने खता के, उम्रों ने सजा पाई है. इंडिया के लोग 26/11 को भूलेंगे नहीं. प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा था कि आईएसआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं. डॉक्टर साहब, टेररिज्म और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे एक स्टेटमेंट दे देते, लेकिन अपनी फौज को खुश रखने के लिए एक छोटी सी दरखास्त हमारी भी है. बोलिए. बलोचिस्तान. बलोचिस्तान में तो कुछ है ही नहीं. आप कहते हैं तो हम कर देंगे. ऑपोजिशन थोड़ा शोर मचाएगी, लेकिन पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा. ये पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है. मैडम चेयरपर्सन, बलोचिस्तान तो कोई इश्यू है ही नहीं. आपने इससे जरूरी इश्यू बना दिया, और वो भी इंटरनेशनली. सब सीनियर मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी. पर हम एग्रीमेंट के शब्द चेंज कर सकते हैं मैडम. आप मेरी बात शायद ठीक से समझे नहीं. अगर आप क्या हालचाल? हाँ हाँ, पीएम ने मुझे बुलाया था, बात भी हुई थी. मगर ये आपको किसने कहा कि मैं पीएमओ में यूपीए के प्रोग्राम देखूंगा? चौहान ने कहा है तो पीएम से पूछ के कहा होगा, लेकिन मैं कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता. आप देख लो. लकड़ी की तलवार से जंग नहीं जीती जाती बारू. साइकिल का हैंडल संभालने की औकात नहीं है तुम्हारी, मीडिया का हैंडल करो. आज का बिजनेस स्टैंडर्ड देखा है? ज्ञान मत दीजिए. आपको बातों के लिए नहीं, काम करने के लिए रखा गया है. दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. रखिए आप. सर, आपने मुझे खुद बुलाया था. मीडिया में बात लीक होने से सब गड़बड़ हो गई. खबर लीक यहीं से हुई थी. अब बहस करने से कोई फायदा नहीं. सर, यही मौका है आपको अपनी अथॉरिटी दिखाने का.
ये जीत आपकी जीत है, ये पीएमओ आपका टर्फ है, आप कैसे? संजय, पॉलिटिक्स में मुझे एक बात समझ में आ गई, तुम भी अच्छी तरह से समझ लो। पावर का एक ही सेंटर होता है और वो सेंटर होता है पार्टी प्रेसिडेंट। तो मैं क्या करूं? प्लानिंग कमीशन ज्वाइन कर दो, जब मामला ठंडा पड़ जाएगा मैं बुला लूंगा। सर, मुझे सरकारी नौकरी का कोई शौक नहीं है, मैं आपके लिए काम करना चाहता था। मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड से भी एडिटर का ऑफर है। वो तो प्लानिंग कमीशन से भी अच्छा है, तुम्हें जर्नलिज्म ही सूट करता है। नायर, कम इन। थैंक यू सर। बड़े कमजोर आदमी। फिर एक धमाका हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। टेप कांड, नेता, पत्रकार और दलालों की सीक्रेट बातचीत लीक हो गई। कैसे अपॉइंट होते हैं मंत्री, पत्रकार आखिरकार किसकी सेवा करते हैं, बच्चा बच्चा अपने मोबाइल पे सुन रहा था। सबकी पोल खुल रही थी। नीरा राडिया टेप्स के बाद 2G, 3G, कोलगेट जैसे स्कैम्स के खिलाफ देश अन्ना आंदोलन के साथ खड़ा हो गया है और ये अन्ना आंदोलन देश की आवाज बन गया है। The UPA government may sound dismissive about the Anna panel's Lokpal bill, but the team Anna is warning the government that it will have to confront the electorate. ऐसे भ्रष्टाचार में अगर पंतप्रधान में आता है तो ये दुर्दैव है। जनता देखती है कि हमारा नेता कैसा चलता है, कैसा बर्ताव करता है। चाय पी रहे हैं? जी नहीं, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, बताइए। मैडम, मैं इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना भारी इन्फ्लेशन, एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल, मीडिया एकदम हमारे खिलाफ है, ये इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? लेकिन मैडम, आपको कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी चेंज का टाइम नहीं आया है। लेकिन मुझे दूसरों की गलती का जिम्मा लेना पड़ रहा है। मैं देश के लोगों को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा? एक्सप्लेन करना आपका काम नहीं है। पार्टी के पास देश को सही तरीके एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन मैडम, मुझे ऐसा लग... Are you sure you don't want a cup of tea? देखिए, दो तरह के लॉस होते हैं, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल लॉस जो होता है उसमें एक्चुअल में लॉस होता है, और नोशनल लॉस नोशनल होता है। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में CAG का जो एस्टिमेट है वो नोशनल लॉस का है, समझे आप लोग? सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गलत है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई लॉस नहीं हुआ है। कमाल है जी, आपने तो पूरा मैथमेटिक्स ही चेंज कर दिया। 1,76,000 crore को आपने जीरो बना दिया। सर, कोल स्कैम में आपका मैथमेटिक्स क्या बताता है? अरे, कोल स्कैम में कैसा लॉस? जब खुदाई नहीं हुई है, कोयला नहीं निकला है, तो लॉस कहाँ से? समझे? सर, 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 स
सर इस बार तो आपने 1,86,000 करोड़ को जीरो बना दिया। साल भर में बात और बिगड़ गई। डॉक्टर साहब का खुले आम मजाक उड़ने लगा। इंटरनेट पे चुटकुले बनने लगे। 2G, CWG और राहुल जी तीनों डॉक्टर साहब पे भारी थे और वो खुद बिल्कुल चुप बैठे थे। उन्हीं दिनों मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी। Excuse me, Mr. Baru, advisor to the Prime Minister. Former advisor. Sir, ये सब क्या हो रहा है? मनमोहन से कुछ करते क्यों नहीं है? कुछ बोलते क्यों नहीं है? Excuse me, Mr. Baru. Yes. मेरी बेटी भी एक जर्नलिस्ट है, बिग फैन। वैसे एक बात बताइए, आपने पीएमओ क्यों छोड़ दिया? नहीं नहीं बता दीजिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए। सर, महाभारत में दो फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। अरे वहां जाने तो दो। बड़े टाइम से काफी चर्चा हुई है इस ऑर्डिनेंस को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ क्या करना चाहिए। बाकी सबका तो पता नहीं, मैं यहां सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इस ऑर्डिनेंस के साथ। ये करना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए, बकवास है ये ऑर्डिनेंस। दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर यूपीए सरकार बुरे तरीके से घिर गई है। पहले अध्यादेश का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी, अब राहुल गांधी भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। राहुल ने पहले कड़ा बयान दिया, फिर अध्यादेश को बकवास बताकर प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस पर फिर से विचार करने को कहा। राहुल के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मामले पर सोनिया गांधी से बात। हम यहां एक्स मीडिया एडवाइजर ऑफ पीएम मिस्टर संजय बारू से बात कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप राहुल की इस हरकत पर? देखिए, अगर उनकी खुद की पार्टी के लोग उनका सम्मान तक नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर साहब को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पापा, मिस्टर बारू सही कह रहे हैं। अब क्या पॉइंट है? और कितना बदनाम करेगी पार्टी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सर, आपसे एक बात बोलनी थी। अपने पीएमओ में जो मैंने देखा है, सुना है, समझा है, उसे लिखने का समय आ गया है। मेरे बारे में भी लिखोगे? सर, सच लिखना इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। आप एक जीनियस हो। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग आप पे हंसते हैं। मैंने जो होते देखा वही लिखूंगा। मेरे बारे में? सर, पूरी ईमानदारी से लिखूंगा, कड़वा सच भी। वो भी शायद वही। सर, मुझे सच के सारे पहलू पता नहीं। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि सच के कितने पहलू। बस अपना और आपका, हम दोनों का सच लिखूंगा। इस मीटिंग के बारे में भी लिखोगे? I miss you, Sanjay. तुमसे एक काम है जो तुम ही कर सकते हो। कहिए सर।
3 जनवरी को मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या बोलूं देश से? आपके स्पीच राइटर सर, अगर वो कर सकते तो तुमसे क्यों कहता? एक आखिरी बार मेरी आवाज बन जाओ। पीएम साहब, आपको बहुत अग्रेसिव रहना पड़ेगा, चुनाव आ रहे हैं, प्रेस आपको कॉर्नर करना चाहेगा, सब अटैक्स राहुल पे डिफ्लेक्ट करो। वो मैं नहीं कर सकता। मैं हूं ना सर, मैं स्पीच लिखता हूं, आप सब समझ जाएंगे। पार्टी डॉक्टर साहब को लायबिलिटी बनाना चाहती है और वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मुझे तीसरा टर्म नहीं चाहिए। कुछ महीनों में आम चुनाव के बाद मैं ये कुर्सी नए प्राइम मिनिस्टर को सौंप दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो यूपीए के चुने हुए पीएम हों और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी। मुझे विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी के लीडर इस महान देश को आगे ले जाएंगे। सर, इज दिस अ गुड बाय? सर, आपने किसी करप्शन स्कैंडल पर कोई जवाब नहीं दिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी टर्म पे आपको क्या कहना है? क्या राहुल गांधी अगले पीएम कैंडिडेट होंगे? क्या आपको पार्टी ने बलि का बकरा बनाया है? मुझे उम्मीद है कि इतिहास मुझे मीडिया के नजरिए से नहीं देखेगा। को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को 10, 11, 12 करोड़ लोगों की चौकीदारी की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले शाहजादे यहां आए थे, आजकल वो सुबह शाम मुझे याद करते रहते हैं। और चुनाव हिंदुस्तान का है, हिसाब गुजरात का मांग रहे हैं। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मां बेटे की सरकार गई, जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को पहचान नहीं सकते हैं। भाई, कैन यू टेक बैक दिस इलेक्शन और यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट बिफोर इट बिगन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्वे आर सेइंग कांग्रेस विल बी रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट एवर टैली। क्या किताब लिख दी तुमने? आपने पढ़ी? अभी कहा, डॉक्टर साहब तो सुबह से एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या लिख दिया तुमने? उन्होंने आपसे कुछ कहा?
खुश है? लग तो रहा है, तुम आके मिलो। मैं फ्लाइट ले रहा हूँ, लैंड होते ही फोन करूंगा। डॉक्टर साहब ने भीष्म जैसी गलती की, परिवार के आगे झुक गए। राहुल को आगे करने के लिए डॉक्टर साहब ने खुद को पीछे कर दिया। उनके लिए परिवार पार्टी से बड़ा था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या डॉक्टर साहब को पता है कि मैं उनसे बात करना चाहता, संजय बारू उनसे बात करना चाहते हैं? बॉस आर यू श्योर? क्योंकि ये मैं पीएमओ कल जवाब देगा, मतलब हेलो हेलो बारू, बैड न्यूज, बुक्स की सेल्स डाउन है। अरे मुझे लगा कि इलेक्शंस के दौरान रिलीज करेंगे तो सेल्स काफी अच्छी होगी, but I think my plan doesn't seem to be working. Hello, kya hua, kahan gum ho yaar? 3 din ho gaye, doctor saab ka ab tak phone nahi aaya. Sanjay Baru ki kitab The Accidental Prime Minister vyaktigat labh ke liye likhi gayi hai. Hum iske sare facts, tathyon ko puri tarah se deny karte hain. Isse एक जिम्मेदारी वाले पद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। संजय बारू ने किताब लिखकर पीएमओ के साथ विश्वासघात किया है। कंग्रेट्स मिस्टर बारू, पीएमओ ने आपका काम कर दिया है। किताबों की बिक्री जोर शोर से चल रही है, अब जल्दी जल्दी अपनी अगली किताब लिखना शुरू कर दो। बदनाम होंगे तो क्या, नाम ना होगा पटेल साहब। डॉक्टर साहब, सर, हम फिर कभी नहीं मिले। आज तक यही सोचता हूं कि उनको मेरा सच कितना सच्चा लगा होगा। शायद मुझे जवाब मिले, शायद नहीं, मगर डॉक्टर साहब ने मैंने जो खो दिया वो कभी नहीं मिलेगा। ओम प्रणव, ओम नाथ, ओम मुद्राएं,
ओम वक्तव्य ओम उद्गार घोषणाए ओम भाषण ओम प्रवचन ओम हुंकार ओम फटकार ओम शितकार ओम फुसफुस ओम फुतकार चितकार अस्फालन ओम इंगित ओम इशारे ओम नारे 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 और नारे 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 ओम नारे 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 और नारे 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 ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम कुछ नहीं ओम कुछ नहीं ओम अपनी खुशहाली दुश्मनों की पामाली ओम मार 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 अपोजिशन के मुंड बने तेरे गले का हार ओम एम ह्रीम क्लीम ओम आर ओम हम रचाएंगे ढोंग धतूरा और स्वान ओम शेर के दांत भालू के नाखून मरकट का पोता हमेशा हमेशा करेगा राज मेरा पोता ओम छू छू फू फू फट फुट ओम शत्रुओं की छाती पे लोहा कुट ओम छू छू फू फू फट फुट ओम शत्रुओं की छाती पे लोहा कुट ओम भैरव 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 ओम बजरंग बली ओम बंदूक का टोटा पिस्तौल की नली ओम डॉलर ओम रूबल ओम पाउंड ओम साउंड 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 और साउंड 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 ओम साउंड 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 और साउंड 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 ओम अष्ट धातुओं के ईटों के भट्टे महाधूत महामूर्त उल्लू के पट्टे ओम दुर्गा 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 ओम तारा 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 ओम दुर्गा 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 ओम तारा 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 इसी पेट के अंदर समा जाए सर्वहारा इसी पेट के अंदर